वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाउ टू क्रिएट अ फीवर गीक। फीवर क्या है? एक फ्रीलांसर साइट है और उस पर एक गीक का एक सर्विस जो ऑफर करी गई है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अर्न कर सकते हैं मनी को, ठीक है ना। इट इज़ इट कैन बी यूज फॉर सो मेनी पर्पज नाउ, कंटेंट मार्केटिंग्स, वेबसाइट डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग एंड सो मेनी पर्पज नाउ वी कैन यूज नाउ। सो वॉट इज अ गीक? गीक क्या है? सर्विस ऑफर्ड ऑन द साइट इंक्लूडिंग राइटिंग, ट्रांसलेशंस, ग्राफिक डिजाइन, वीडियो एडिटिंग, प्रोग्रामिंग, वेब डिजाइनिंग, वर्डप्रेस डिजाइनिंग। फीवर सर्विसेज स्टार्टेड एट $5 एंड कैन गो अप टू थाउजेंड्स ऑफ डॉलर विद गिग एक्स्ट्रास। ईच सर्विस ऑफर इज कॉल्ड अ गिग। जितनी भी आपको सर्विस बताई गई है और इसके अलावा भी दूसरे टाइप की जो सर्विस है जो ऑफर की गई है, वो सब क्या कहलाएगी? गिग कहलाएगी, ठीक है ना। अब बात है कि हाउ टू क्रिएट अ गिग। तो ये गिग कहाँ क्रिएट होता है, फिर देख लिया ना। टू क्रिएट अ गिग, गिग कब क्रिएट होगा? जब फीवर साइट पे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, देन आफ्टर डेट आप गिग पे जाके आप क्या कर सकते हो, इसको क्रिएट कर सकते हो गिग को, और उसके बाद अपनी वर्किंग शुरू कर सकते हैं। क्रिएट अ गिग को कैसे क्रिएट किया जाएगा? फर्स्ट लॉग इन टू योर अकाउंट एंड क्लिक सेटिंग गिग्स। कब सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अकाउंट को लॉग इन करना पड़ेगा, मतलब fever.com जो है उसको लॉग इन करना होगा। उसके बाद आप सेटिंग जो वहाँ पे एक ऑप्शन दिया जाता है क्लिक सेलिंग, आप यहाँ दिखाई दे रहा है बहुत सारे ऑप्शन हैं यहाँ पे, फीवर प्रोज, होम्स, कम्युनिटी, मैसेज, सेलिंग, बाइंग। तो आपको क्या करना है, सेलिंग करना है मतलब बेचना, क्योंकि आप कुछ बेचना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको करना पड़ेगा गिग ऑर्डर लिखा है, गिग लिखा है, एनालिटिक्स लिखा है, अर्निंग लिखा है, या बाय रिक्वेस्ट या प्रमोट योर सेल्फ लिखा है। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए हुए सेलिंग के अंदर भी, तो आपको वहाँ पे करना गिग को क्लिक करना होगा, ठीक है। जैसे आप गिग के ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो क्लिक क्रिएट अ न्यू गिग, आपको इस तरह से एक मेनू स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है गिग का स्टार्ट हो गया, यहाँ पे लिखा है क्रिएट अ गिग, मतलब इफ यू डिडंट हैव अकाउंट ऑफ फीवर देन क्लिक सेलिंग, स्टार्ट सेलिंग, फिल आउट योर सेलर प्रोफाइल एंड देन प्रोसीड, ठीक है ना। आपको अपने क्या सेलर की प्रोफाइल बनानी होगी एंड देन आगे उसको प्रोसीड कर सकते हो। अब स्टेप वन, ये क्या है, सिक्स स्टेप में गिग को क्रिएट किया जाता है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है यहाँ पे, स्टेप वन इज ओवरव्यू। ओवरव्यू के अंदर क्या दिखाई दे रहा है, मैं आपको एक ऑप्शन दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक इस टाइप का एक मेनू आपको डिज़ाइन होगा, इस टाइप का एक ऑप्शन आपको वहाँ दिखाई देगा, जहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, गिग की सभी जो इन्फॉर्मेशन है स्टार्टिंग करनी होगी। मतलब तो आपको टाइटल लिखना है, फिर टाइटल के बाद आपको क्या, किस टाइप की कैटेगरीज आएगी, सर्विस टाइप क्या होगा, उसका मेटा टेक्स क्या हो सकता है, सर्च टेक क्या हो सकते हैं, ये आपको सब इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आपको क्या करनी पड़ेगी, फिलअप करनी पड़ेगी। एंड आफ्टर दिस सेव एंड कंटिन्यू एंड गो टू द नेक्स्ट स्टेप्स, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप्स क्या बता दे रहा हूँ, गिग टाइटल, यूज द टाइटल टू योर गिग। इट्स मैक्सिमम लेंथ शुड बी 80 कैरेक्टर्स एंड मिनिमम 15 कैरेक्टर्स, ठीक है ना। मतलब मैक्सिमम कितनी 80 कैरेक्टर होनी चाहिए और मिनिमम कितनी 15 कैरेक्टर। योर टाइटल शुड बी क्लियर, यूनिक एंड टू द पॉइंट, ध्यान आना चाहिए आपको ये सब चीज़ें। तो आप जो भी टाइटल्स यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है ना, आई विल ध्यान रखना इसमें, आई विल डू समथिंग एंड आई एम रियली गुड टू एड, मतलब जब भी आप लिखने जाएंगे तो आई विल तो ऐसा कैसे लिखा हुआ आएगा, उसके बाद ही आप क्या रख सकते हैं, जो भी आपको टाइटल लिखना, जैसे डेटा एंट्री जॉब्स है, या फिर कंटेंट मार्केटिंग, या जो जो आपको जो भी टाइटल लिखना चाह रहे हो वो आप वहाँ पर आप लिख सकते हो, ये आपकी चॉइस रहेगा। सेकेंड पॉइंट है यहाँ पे कैटेगरीज, ड्रॉप डाउन सिलेक्शन, सिलेक्ट द कैटेगरी विच फॉर योर गिग एंड देन सब कैटेगरी अकॉर्डिंग टू योर गिग्स। अब यहाँ पे क्या है, एक सब सिलेक्ट कैटेगरी, उस कैटेगरी में भी क्या है, अलग अलग टाइप की भी सब कैटेगरीज होगी। आपको कौन सी कैटेगरीज को आपको प्रायोरिटी देनी है, वहाँ पे आपको उसको सिलेक्ट करना होगा, ठीक है, क्लियर है आपको यहाँ पे सब। अब सर्विस टाइप क्या होगी यहाँ पे, सर्विस टाइप क्या है यहाँ पे, ड्रॉप डाउन मेनू, चूज अ सर्विस टाइप to ensure you appear in the search result and related to the category and do select available for certain categories, ठीक है। meta tags area, select the relevant criteria for each topic। अब आपको यहाँ पे meta tag में या search tag पे जाके आपको एक particular options देने होंगे कि किस type का आपको tagging चाहिए, किस type के keywords को आप search, जब search होती है तो आपका ही click हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके topic का नाम देना, मतलब you should at least 5 search tag देना होंगे। तो दिस टेक मस्ट बी वर्ड और या फ्रेज के फॉर्म में होंगे,
ठीक है, आफ्टर दिस सेव एंड कंटिन्यू एंड गो टू द नेक्स्ट स्टेप। तो ये पहली स्टेप हमारी कंप्लीट हुई है, कौन सी, ओवरव्यू की, स्टेप वन ओवरव्यू, जिसमें आपको इस तरह का एक फॉर्म आपको फिल करना होगा। अब जैसे ही जब आप फॉर्म इस फॉर्म पहले वाले फॉर्म को फिल कर देंगे तो नेक्स्ट वाले फॉर्म पर आप पहुँच जाएंगे। क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट वाला फॉर्म क्या है, प्राइजिंग। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे किस तरह से उसकी प्राइजिंग डिसाइन करेंगे। ठीक है, मतलब जो भी आपको करना है, जो भी डेटा एंट्री का वर्क करना है, मिनिमम कितने से स्टार्ट करेंगे आपको यहाँ पे फाइंड आउट आपको बताना होगा। तो प्राइजिंग में क्या होगा, फर्स्ट स्टेप टू इज प्राइजिंग लिस्ट ऑफ ऑल डिफाइनिंग योर पैकेज, इन ईच पैकेज डिफाइन देयर नेम अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब आपको करना है डिफाइन करो कौन सा पैकेज, मतलब बेसिक पैकेज है, प्रीमियम पैकेज है, और उसमें आप कौन सा क्या आपको क्या पैकेज अंदर क्या वर्डिंग्स आपको लिखने हैं और उसको कितने आपको चार्जेस देने हैं, आपको सब चीज़ बताना होगी। ठीक है, डिफाइन डिलीवरी टाइम्स। अब आपको सेकेंड पॉइंट है डिलीवरी, आप कितने ड्यूरेशन में आपको एक घंटा, दो घंटा, एक दिन, दो दिन, चार दिन, जो भी आपको एक ड्यूरेशन क्लियर करना होगा। रिविजन्स, अब थर्ड नेक्स्ट पॉइंट है रिविजन सेक्शन। डिफाइन हाउ मेनी रिविजन्स यू मे टू गिव योर क्लाइंट, अगर आप कितना रिविजन देना चाहते हो और उसकी क्या प्राइस रखोगे आपको यहाँ पे भी शो करना। इन प्राइस डिफरेंट प्राइस ऑफ ईच पैकेजेस डिट यू प्रोवाइड योर क्लाइंट। क्लियर है? इफ यू गिव एक्स्ट्रा रिविजन फॉर योर क्लाइंट देन गो टू माई गिग एक्स्ट्रा एंड सिलेक्ट एडिशनल रिविजन डिलीवरी टाइम्स एंड देयर प्राइसिंग। अगर मान लो यूजर बोलता है कि आपको मतलब रिवाइज करना है समथिंग जो भी है, तो आप उसका एक्स्ट्रा पैसा भी ले सकते हैं और उसके हिसाब से उसकी मनी को भी आप डिसाइड कर सकते हैं। नौ सेट आपके आखिरी में आपको क्या करना है, पूरी इन्फॉर्मेशन जो भरने के फिल करने के बाद आपको सेव करना है। क्लियर है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पैकेज है सर्विस टाइप्स, बिजनेस या फिर चेंज। तो यहाँ जो बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम्स, तो बेसिक सिल्वर और गोल्ड है, जिसमें मैंने यहाँ पे सिंपल से लिखा है फिक्स HTML, CSS एंड रिस्पॉन्सिवनेस इश्यूज इन वेबसाइट्स। सेम चीज़ यहाँ पे वही लिखा है और यहाँ पे वही लिखा है, बट आप यहाँ देख सकते हैं इसमें एक वर्डप्रेस को भी ऐड किया गया। नहीं, वर्डप्रेस तो है इसमें ऐड, जो भी उसको यहाँ पे बताया कितना टाइम लगेगा, डिलीवरी टाइम्स क्या होंगे, वन डे, रिविज़न कितना होगा, 3 times रिविजन रिवाइज कर सकते हो आप उसे, है ना। फिर उसके डॉलर कितने, $5, $10 एंड $15 के साथ आप फिल कर सकते हो। फिर माय गिग एक्स्ट्राज में होगा, एडिशनल रीजन पे भी आप कर सकते हो उसको, वन डे का टाइम दे सकते हो एंड देन क्या करोगे आप उसको यहाँ पे सेव कर दोगे। क्लियर है? तो ये फॉर्म भी आपको इस तरह से इसको फिल करना पड़ेगा, कौन सा है, स्कोप एंड प्राइजिंग का ये फॉर्म है जिसको आपको यहाँ करना है, फिल करना है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है डिस्क्रिप्शन एंड FAQ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अब जब ये तीसरी स्टेप है, जब आप यहाँ पे सेव करते हो, सेव करने के बाद अगर नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं वो कहना है आपकी स्टेप नंबर 3, डिस्क्रिप्शन ऑफ FAQ। फर्स्ट डिस्क्रिप्शन देना आपको, ये फॉर्म, ये एक फॉर्म और दिख रहा है जिसपे आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन देना है, बेसिक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन योर किक्स, जो भी आपने जिस व्यू के लिए आप कर रहे हैं, डेटा एंट्री है, डेटा एंट्री के लिए आप क्यों करना चाह रहे हैं, तो आपको उसको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, उसमें क्या फ़ायदा है क्या नहीं है, उसकी इन्फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू रजिस्ट्रेशन जो भी आप बताएंगे सब बताना पड़ेगा। तो इन डिस्क्रिप्शन ब्रीफ डिस्क्राइब योर गिग्स, विच सर्विस डेट यू प्रोवाइड इन गिग्स एंड डिस्क्राइब योर गिग फीचर्स, मतलब फास्ट डिलीवरी, क्वालिटी, सेटिस्फेक्शन, इस तरह से आपको वहाँ पे बताना पड़ेगा। तो मैंने जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे CSS HTML के बारे में लिखा है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, फास्ट डिलीवरी, रिस्पॉन्स फिक्स, iPad, iPhone एंड 100% क्वालिटी, 100 अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, क्लाइंट सेटिस्फेक्शन, इंक्रीज ब्राउजर लोडिंग टाइम्स एंड वर्डप्रेस इश्यूज एंड सब, जो ये 5-10 पॉइंट में मैंने यहाँ पे उसको इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे राइट किया है ना। फिर आप क्या क्या करना पड़ेगा, आस्क FAQ टू योर क्लाइंट एंड इट्स एन ऑप्शनल पार्ट, ठीक है, एंड देन सेव इट। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये है ऑप्शनल पार्ट है, अगर आपको देना चाहते हो कर सकते हैं, नहीं तो इसको आप कर सकते हैं, डायरेक्ट सेव भी कर सकते हैं। क्लियर? रिक्वायरमेंट पॉइंट, दिस आर स्टेप 4, आफ्टर सेविंग वी कैन रीच इन रिक्वायरमेंट पोजिशन जाऊँगा मैं। टेल योर बायर विच थिंग्स यू नीड टू कम्प्लीट योर प्रोजेक्ट, इफ यू मेक अ वेबसाइट देन आस्क यू बायर डेट ही प्रोवाइड यू होस्टिंग एक्सेस, FTP और या फिर अदर्स। ठीक है? क्लियर? तो आपको यूजर से, क्लाइंट से बात भी करने का, माना क्लाइंट आपको अप्रोच करता है तो क्या है उसकी साइट अवेलेबल से, या कुछ अलग से डेटा पड़ा हुआ है, या होस्टिंग करवाना चाहते हो तो होस्टिंग करके भी आप कर सकते हो, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। टेक दिस रिक्वायरमेंट इन PDF फॉर्म, ठीक है, एंड देन सेव इट। तो आप देख सकते हैं ये एक ऑप्शन है जहाँ पर आप कर रहे हैं, टेल योर बायर व्हाट यू नीड टू गेट स्टार्टेड, स्ट्रक्चर योर बायर स्ट्रक्चर टू फिट फ्री टेक्स्ट, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, या फाइल अपलोडेड।
यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा उसके हिसाब से यहाँ पे उसके इन्फॉर्मेशन को अपलोड करना पड़ेगा रिक्वायरमेंट के हिसाब से, देन सेव इट एंड देन वी कैन रीच इन नेक्स्ट स्टेप गैलरी स्टेप नंबर 5 अपलोड फोटो दैट डिस्क्राइब और आर रिलेटेड टू योर गिग इमेजेस मस्ट जेपीजी जेपीजी पीएनजी 3 फाइल लिमिटेड और यू मे अपलोड वीडियो और हाई क्वालिटी एंड दैट डिस्क्राइब योर गिग्स ठीक है तो यू मे ऑल्सो अपलोड अ पीडीएफ फाइल्स एंड सेव इट मतलब आप गैलरी में जाके इस तरह से इन्फॉर्मेशन फिल कर सकते हैं जो भी आप कर रहे हैं इमेज के फॉर्म में वीडियो के फॉर्म में आपको कर सकते हैं एंड आपको क्या करना है यहाँ पे आप दिख रहे हैं ये ऑप्शंस ठीक है सेम चीज एंड ऑल्सो पीडीएफ फॉर्मेट ऑल्सो वीडियो फॉर्मेट ठीक है ना यहाँ लिखा है प्लीज चूज अ वीडियो शॉर्टर देन 75 सेकेंड एंड सिमिलर देन 50 MB क्लियर है देन सेव इट एंड लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज स्टेप 6 पब्लिश पब्लिश योर गिग क्लिक पब्लिश इट यू विल सी different social networks on which you can promote your gigs and click done ठीक है तो दिस आर द 6 स्टेप्स ऑफ दिस गिग यहाँ पे हमने देखा किस तरह से हमको 1 by 1 फॉर्म्स को भरना है या जो भी उसके एप्लीकेशन जो भी सर्विसेज उसको कैसे प्रोवाइड करनी है कैसे आपको लेना है सब चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर हो गया है ठीक है इफ़ यूर गिग कंटेन अ वीडियो दिस सिचुएशन विल बी पेंडिंग अंटिल यू रिव्यू इट इफ यूर गिग डज नॉट कंटेन अ वीडियो इट विल बी लेबल्ड एक्टिव ठीक है ना क्लियर है तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आपको पूरी क्लियर कर दी कि गिग का फॉर्म कैसे भरना है ये सब चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर की है तो दिस इज द गाइडलाइन ऑफ द गिग हाउ टू क्रिएट अ फीवर गिग्स